लाइव हर जुर्म का पर्दा। यूक्रेन और रूस के बीच जारी हमले के दौरान वाराणसी रोहनिया सहित 6 छात्र फंसे हुए हैं। रूसी सैनिक व यूक्रेन सैनिक के द्वारा लगातार जारी हमले की खबर अखबार व टीवी के माध्यम से लगते ही बाहर फंसे लोगों के परिजनों में भय का माहौल व्याप्त है। परिजन भारत सरकार व भारतीय दूतावास से फंसे बच्चों को घर वापस भेजने की गुहार लगा रहे हैं। रोहनिया क्षेत्र के नरू निवासी डॉक्टर सुशील पटेल अपने बेटे राहुल सिंह को MBBS की तैयारी के लिए यूक्रेन उजहा रोड यूनिवर्सिटी भेजा था। गत 2 मार्च को वापस आने वाला था राहुल, तभी इसके पहले हमले की खबर से परिजन काफी परेशान है। फंसे बच्चे की मां चंद्रावती एकटक दिन भर टीवी को ही निहारती रहती है। चंद्रावती कहाँ रहने वाली हैं आप? नरू। क्या मामला है आज आप टीवी देख रही हैं जो कल से अभी तक जो क्या मामला यही है कि हमारा लड़का यूक्रेन पढ़ रहा है, वहाँ तबाही मचा है रूस में। हाँ, रूस से। क्या नाम है आप लड़की का? राहुल। राहुल क्या किस क्लास में पढ़ा है वहाँ? क्या पढ़ रहा है वहाँ? किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है? थोड़ा मेडिकल डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। तो सूचना आपको कैसे मिला कि वहाँ हमला हुआ? किस तरह जानकारी? टीवी देखने से। क्या आपसे लड़के से बात हो रही है आपके परिवार? नहीं, लड़के से बात नहीं हो रही है, कोई से मतलब सूचना मिल रही है जैसे लड़के के पिता से। राहुल के पिताजी बात कर रहे हैं राहुल से? हाँ। सही सलामत है वहाँ? हाँ। क्या चाहती हैं आप इस मामले में, क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि वहाँ तबाही मचाया था, हमारे लड़का घर पर वापस आ जाए। क्या मांग है आपकी जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से वाराणसी के जिलाधिकारी से, क्या कहना चाहती हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं जैसे हमारा लड़का यूक्रेन में फंसा है तो वापस जैसे हमारा लड़का हमारे पास आ जाए।